हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं, और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किन्हीं किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रहकर के आपको अपने घर जैसा लगेगा, ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, ये तो भगवानों के नाम हैं। कौन नहीं है, मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान, और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है, हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है
ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पर भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाई हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने यह फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा।